नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं कुछ बिज़ी था कुछ काम में और नहीं हो पा रहा था। अभी वापस से मैं स्टार्ट करूँगा एक दो दिन में, तो कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अभी नहीं, मैंने बंद नहीं किया है। कुछ काम है अटके हुए, उनको पूरा कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी हो जाएगा तो इंशाल्लाह। मुझे भी मूव करना है, वो भी नहीं हो पा रहा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी एक्टिवा क्लेम पे है, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं बन जाएगी तो उसको उठा लूँगा, क्योंकि उसको भी मुझे पैक करा के भेजना है। देखते हैं, आज मैं फ़ोन कर लेता हूँ। अगर बाइक रेडी हो जाएगी तो वो भी उठाने जाऊँगा। तो मिलते हैं, तब तक आबान को भी कुछ बात करनी है आप लोगों से, तो आबान से मिले आप लोग। गाइस, ये रही मेरी वॉच टाइटन की। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी है। और आज हेजलनट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और वहाँ से मैंने रश्मि चाची ने ब्लैक फॉरेस्ट क्रिस्टल मंगाई है, और मेरी अद्दा के लिए रेनबो होगी। तो फिर आपको ये व्लॉग अगर आप चाहते हैं और आए अच्छे अच्छे, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे इसीलिए हम लोग नहीं ला रहे थे, तो आप सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल वाला आइकन प्रेस करी, शेयर करी। हौड़ी हौड़ी विच मैच पतलोनी तेरा, मेरे गाइस हैं बहुत अच्छे। गाइस के सॉन्ग कैसा लगा? ये जो हम लोग का पुराना वाला फ़ोन था, ये चल रहा है तो उसका बैक कैमरा नहीं चल रहा है। मैं आपको उसका कवर जरूर दिखा पाऊंगा। ये देखिए आप लोग। अरे यार, कवर कैसे दिखाऊं मैं? तो डायरेक्ट वही दिख रहा है, कवर नहीं दिख रहा है यार। कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं यार आप लोग को कवर में? कैसे, रुकिए एक मिनट, बस से चुका हूँ मैं लेट। मुझे आज बेटे के पासपोर्ट के लिए जाना था, न्यू पासपोर्ट उसका बनना है। तो सुबह से इतने काम थे, पहले मैंने एक्टिवा उठाई, एक्टिवा उठाने के बाद फिर उसका क्लेम वाले का इंटीमेट किया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैंक का काम था जल्दी जल्दी उसमें भागा। अभी मैं निकल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस के लिए, काफ़ी लेट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। बस होप ट्रैफिक नहीं मिले, भी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। वैसे तो आज नवरात्रि है तो थोड़ा सा रश तो है कहीं कहीं पर, लेकिन ठीक है, पहुंच जाएंगे। चलते हैं, जल्दी कर लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस पहुंच के, जल्दी इसका काम फिनिश कर लेते हैं, वरना टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। मुश्किल से अपॉइंटमेंट है मेरा 12:15 का, एंड 2:15 का। हड़बड़ हो रही है बहुत, और अभी टाइम हो चुका है 1:55। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ और मिलते हैं। क्या प्रोसेस है बच्चों का पासपोर्ट बनने का, मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा आप लोगों को, यूज़फुल भी रहेगा। जो कोई भी बनवाना चाहता है अपने बेटे का पासपोर्ट, मेरा बेटा 4-5 मंथ कंप्लीट हो गया, 6 मंथ भी हो जाएंगे। तो बस अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ और अपडेट करता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग अब टोकन नंबर लेके आ चुके हैं अंदर, और सामने स्क्रीन है, यहाँ पर डिस्प्ले होगा तो हमको पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है। देखिए कितना सन्नाटा है पासपोर्ट ऑफिस में, कुछ क्राउड नहीं है, पहले भरा रहता था सब, अभी सब
सन्नाटा हो चुका है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और दो बजे के बाद भी थोड़ा सा सुकून हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो पासपोर्ट का काम तो हो गया, अभी बस निकल चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस से घर के लिए। और ट्रैफिक भी आज कम है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, कल दशहरा भी है, तो अभी भीड़ भी काफ़ी कम है और दोपहर भी हो चुकी है, अभी ऑफिस आज भी नहीं है तो रश नहीं है। बैक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गया, सुपर्ब सर्विस गिवन बाय TCS। TCS ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर, उन वही काम करते हैं, TCS के ही एम्प्लॉयज़ हैं। और अल्टीमेट सर्विस, मैं 2:14 पे अंदर गया टोकन लेके और अभी हो रहा है 2:56। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी इतना अच्छी सर्विस तो मुझे नहीं लगता पहले कभी मिली होगी। मेरे भी 4 पासपोर्ट हैं, रिन्यूअल करा के बहुत परेशान हो जाता था। जब से रतन स्क्वायर शिफ्ट हुए पासपोर्ट ऑफिस तो थोड़ा सा सुकून हो गया है कि हाँ जल्दी हो जाता है काम। मुझे तो लग रहा था 1-1.5 घंटा जाएगा, लेकिन एक अंकल थे जिन्होंने मेरा भी पासपोर्ट के लिए इंक्वायर अपना उनके पास गया था, उसके बाद वाइफ का भी पासपोर्ट का उन्हीं के काउंटर पे गया, आज मेरे बेटे का भी जब टोकन आया तो उन्हीं के काउंटर पे गया, तो अंकल आज भी यंग दिखते हैं। तो अभी मैं तो हो गया हूँ फ्री, मेरा कोई काम नहीं बचा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे की जो सब रिचुअल होने थे वो भी हो गया, अकीका भी हो गया, पासपोर्ट भी हो गया, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ मूव करने के लिए। बस अब मुझे ही सब थोड़ा बहुत घर का जो सामान है पैक करके और मैं निकल जाऊँगा जल्दी इंशाल्लाह। बस पासपोर्ट के बारे में क्या है, कैसे बनेगा, क्या चार्जेस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, और बच्चे का कितना बड़ा है, उसका क्या नीड लग रहा है, उसके क्या चार्जेस हैं, मैं सब आपको अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी, आज ही अपडेट करूँगा। बस मैं घर पहुँच जाऊँ, कुछ खाया नहीं है, वैसे तो रास्ते में कुछ खाने का मन है, देखते हैं कुछ मिल जाता तो खाते हुए चलते हैं, मिलते हैं फिर। अभी हम लोग को रुकना पड़ा है सैलून में, वाइफ को कुछ तो भी कराना था, लड़कियों के लफड़े, अभी यहाँ रुका हूँ, बेटा भी साथ में है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भूख तो लगी है और काफ़ी दिन से निकल भी नहीं पा रहे थे, और ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है, वाइफ का वर्क फ्रॉम होम है तो अभी चल रहा है, और टाइम तो नहीं लगना चाहिए ज़्यादा क्योंकि मुझे भी घर जाना है जल्दी, उसके बाद भी एक जगह और भी जाना है। मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को कि पासपोर्ट में क्या टाइमिंग जाएगा और माइनर बच्चे में क्या क्या, जो बच्चे छोटे होते हैं क्या लगता है उसमें कितना टाइम जाता है पासपोर्ट में और कितने दिन में पासपोर्ट आ जाता है, तो उसकी डिटेल्स भी बताऊँगा। अभी तो बस मैं 5 मिनट से तो वेट ही कर रहा हूँ, भूख भी लग रही है, घर चलते हैं खाना खाते हैं। पता नहीं अक्टूबर है तक गर्म क्यों हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम चावल ग्रो होते हैं तो कितनी धूप उसके लिए अच्छी है, तो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो भी हमारे खाने की चीज़ के लिए ही, धूप इतनी निकाल रहा है थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी पूना का क्या वेदर है पता नहीं, मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि थोड़ा बारिश हुई थी 1-2 दिन वहाँ पर, ठंडा हो गया पूना, तो वैसे क्लाइमेट ठंडा ही हो गया होगा, यहाँ तो एक्सट्रीम जाता है, मिस करूँगा यहाँ की ठंडक क्योंकि यहाँ जो फॉग रहता है अल्टीमेट लाजवाब, तो मिस करूँगा, लेकिन जाना भी है तो बिल्कुल। हाँ, और मैं आपको बताना भूल गया था, आज मैंने पैकर्स एंड मूवर्स वाले का स्लॉट बुक कर दिया है, तो अभी बस डेट फाइनल करनी है मुझे, 1-2 चीज़ों देख के उसको जो डेट फाइनल कर दूंगा तो बस मैं निकल जाऊंगा, सामान लेके जाएगा पैकर्स एंड मूवर्स वाला, फिर उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उनको लगेंगे 3 दिन लगेंगे और मैं को रुकने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट घर से निकलूँगा और सीधा पूना, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, सेफ ले जाए मुझे साथ खैरियत के,
तो इंशाल्लाह जल्द अच्छे से पहुंचूंगा, सेफ पहुंच जाऊंगा। तो बस ये रहेगा कि नींद बहुत आएगी, सो लेंगे। वैसे साथ में एक और बंदा है हमीद, वो भी जा रहा है, उसको भी बॉम्बे जाने का था, तो मैंने बोला साथ में चलते हैं, उसको भी रोड ट्रिप भी करनी थी, मैं चलते हैं। वरना मैं अकेले जाता तो मुझे तो भी अकेले में भी इशू नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया तो मैंने कहा चलते हैं, साथ में चलते हैं, फिर एक पार्टनर हो जाएगा थोड़ा, जब मुझे लगेगा तो वो भी ड्राइव कर लेगा, मैं भी ड्राइव कर लूँगा। बस अभी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्लो पे जा रहा है, इंशाल्लाह आगे भी फ्लो पे जाए। और बेटे का मेरा वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है 6 मंथ की 17th को, तो उसके लिए भी देखना है कि पूना में करूँ कि यहाँ करूँ, क्योंकि पूना में बोल तो रहे हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी कोविड अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है, थर्ड वेव है ये, तो मैं सोच रहा हूँ अभी यहीं पर अपना अपोलो में डॉक्टर हैं, डॉक्टर निरंजन, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से करा के ले जाऊँ कि फ्री हो जाऊँगा, डॉक्टर भी अच्छे हैं और हॉस्पिटल में सेफ्टी भी बहुत है। मैं टाइम है तो मैं यहीं से करके जाऊँगा। बाकी इतने दिन जो मैं व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे हाथ में बहुत पेन था तो मैं नहीं कर पा रहा था। इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी कि आप लोग को नाराज़ नहीं करूं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूंगा, डेली अपडेट करूंगा। और पूना पहुँचने के बाद तो मैं डेफिनेटली आपको अप टू डेट रहूँगा, डोंट वरी। बाकी मेरी हालत तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं ना बाल कुछ हेयर कट ना शेविंग कुछ नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ ये सब काम वाइंड अप करके तब मैं जाके ये सब करा सकता हूँ दोबारा, लेकिन काम पहले वो सब पहले कर लूँगा तो फ्री हो जाऊँगा, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए और फ्री माइंड जा सकता हूँ। तो बस अभी तो वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो निकलता हूँ, घर भी पहुँचूँ। 3 बज चुका है, 3:20 हो गया है, 3:20 की टाइम तो यहीं लग गया, पासपोर्ट पे तो बेटे के ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, यहीं टाइम लग रहा है। अबान सही गया था, अबान बिल्कुल सही गया था, लेकिन अबान अपनी नानी के यहाँ गए हैं, कल अपनी नानी के घर चले गए हैं थोड़े दिन की छुट्टी में, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वो हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छे परसेंटेज आया उसको, अच्छा डिसीजन मिला। और उसने उसको कुछ प्रॉमिस भी किया गया था, उसके मामू ने किया था कि तुम पास होगे तो तुम्हें दिलाऊंगा मैं कुछ गिफ्ट देंगे, तो वो गया है अपने नानी के घर मामू के साथ, तो अभी जब आएगा तो मैं आप लोग से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मिलते हैं फिर घर पहुँच के। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर, फाइनली बेटे के पासपोर्ट का भी काम हो गया। तो आपको मैं बताता हूँ मैंने कैसे काम किया। पहले मैंने बर्थ सर्टिफिकेट निकाला नगर निगम से, उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया अपना नियरेस्ट जो था, दो हैं लेकिन मैंने नियरेस्ट वाला बुक किया। तो जब आप बुक कर रहा था मैं, तो मुझे दो ऑप्शंस मिले, एक आधार कार्ड का और एक बर्थ सर्टिफिकेट का। तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का चूज़ किया, क्योंकि आधार कार्ड बच्चे का था नहीं, वो मैं अभी पूना शिफ्ट होने के बाद ही बनवाऊँगा, वरना प्रोसीजर लंबा होता चला जा रहा है और लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने स्लॉट बुक कर लिया, 13 का बुक कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा पेमेंट मूड में टाइम लगा तो डेट चली गई, फिर 14 की बुक हुई। 14 को आज जब हम लोग गए तो सबसे पहले हमको पेपर्स वेरीफाइड कराने थे, वो टोकन दे नंबर देते हैं, फिर टोकन के थ्रू हम लोग पासपोर्ट ऑफिस में अंदर जाते हैं फर्दर, तो डी फॉर्म डी वो आपसे फिल कराते हैं। याद रखिएगा कि फॉर्म डी आपको फिल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको काउंटर पे देना है, तब वो आपको टोकन नंबर देंगे। फिर उसके बाद आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, जैसे मेरे बच्चे का XYZ कुछ भी होगा, तो आपको फिर वेट करना है, वो अनाउंस करेंगे, स्क्रीन पे चलता है, जो आपको वीडियो में देखा भी होगा, मैंने आपको दिखाया भी है, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट ऑफिस है, दे आर नॉट लाइक अलाउ नहीं करते हैं, दे डोंट आस्क मी टू शूट, और मैं पूछा भी कि भाई मैं शूट कर सकता हूँ, दे सेड नो यू डोंट हैव अथॉरिटी बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दे विल नॉट अलाउ यू, सो मैंने नहीं किया। तो अभी मैं फिर जब अंदर गया तो मैंने थोड़ा बाहर का ही शूट किया है, आप देखेंगे। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गया तो मैं शूट नहीं कर सकता था, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता था, मैंने नहीं किया,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ए ए वन से ए टेन तक सीरीज रहती है, तो आपको सबसे पहले वहाँ जाना है। आपसे वो आपका पूछेंगे कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार पूछते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन अच्छा तो उन्होंने फिर सीधा उन्होंने बोला बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप का पासपोर्ट देखा उन्होंने, तो उन्होंने पासपोर्ट लिया, उन्होंने वेरीफाइड करके पूरा डिटेल्स वगैरह डाल के स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स सब करके बच्चे का थंब इम्प्रेशन लेके उन्होंने वहाँ से फॉरवर्ड किया फ़ोटो स्टिक करके। एक फ़ोटो आप लेके जाइएगा, क्योंकि माइनर बच्चे की फ़ोटो खींचती नहीं है, उनकी एक फ़ोटो आपको लेके जाना पड़ेगी, वो स्कैन कर लेंगे, आपको फ़ोटो रिटर्न कर देंगे। फिर बी चार साल के छोटा बच्चा है तो वाइट बैकग्राउंड तो पासपोर्ट ऑफिस में लगता ही है, आपको सबको पता है, लेकिन बेबी का फ़ोटो नहीं, डिजिटल क्लिक नहीं है वहाँ पर, तो आपको फ़ोटो ले जाना पड़ेगा, वो स्कैन करके आपको फ़ोटो दे देंगे। फिर मैं बी में गया, ए से मैं फिनिश हुआ, फिर बी में गया, नंबर आया, फिर वहाँ पर सेम एज वेरीफाइड किया, फिर सी में गया लास्ट, वहाँ पर वेरीफाई किया उन्होंने, पासपोर्ट मांगा मेरा और मेरी वाइफ का, और मेरी वाइफ का पासपोर्ट अगर मेरे घर के एड्रेस के बाद, शादी पे के बाद अगर चेंज नहीं हुआ होता तो बच्चे की पुलिस वेरिफिकेशन होती, लेकिन मैंने चेंज करा दिया था, इसके वजह से बेटे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मेरी वाइफ का एड्रेस और नाम सब चेंज हो चुका है मेरे घर के एड्रेस पे, तो वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, मेरे को पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा। तो थर्ड वाले पे भी उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट देखा और बोला भी, मैंने पूछा भी तो ही सेड यू विल रिसीव इन विद इन 10 to 12 days। तो मैंने जो ऑनलाइन चेक किया था 4 to 7 working days, ठीक है 10 दिन में मिल जाएगा, तो हम लोग हैं ही हैं तब तक लेके चले जाएंगे, तो विद इन अ वीक मिल जाएगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो अपने को जल्दी मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर, आप घर आ जाइए, बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब ए में जाएंगे तो वो आप लोग से पूछेंगे सेक्शन ए में कि आप ₹50 पे करेंगे नोटिफिकेशन के लिए, जो आपके नंबर पे डिटेल्स आते रहेंगे कि आपका पासपोर्ट प्रिंट हुआ है, डिस्पैच हुआ है, डिलीवर्ड हो गया है। तो मैंने तो कर लिया क्योंकि मुझे डिटेल्स सही रहते थे। पासपोर्ट कवर आपको लेना है नहीं लेना है वो आपसे पूछेंगे, आपको नहीं लेना है तो आप छोड़ दीजिए, उसके चार्जेस हैं, मैंने चार्जेस नहीं पूछे, लास्ट टाइम शायद 350 या 500 थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरा ऑलरेडी बैग है तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। बस अभी मैं घर आ गया हूँ, बेटे का पासपोर्ट 10 दिन में आ जाएगा, और बेटे का पासपोर्ट मेरा टोटल 900 छोटे बच्चे का है, बड़ों 900 और बड़े जो बड़े हैं तो उनका तो अडल्ट है तो उनका 1500 ही आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट तो हो गया, अब इंशाल्लाह दुआ करें कि कोरोना ख़त्म हो जाए, हम लोग उम्रा करने जा सकें, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम से मन था, जब कोरोना मैं दिल्ली में था स्टार्ट नहीं होता तो मेरा डिस्कशन वाइफ से हुआ था कि हम लोग चलते हैं उम्रा करने, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, सब लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में हो गया, बहुत बुरा माहौल था, तो ऊपर वाला सबका ख्याल रखे, सबको अपने सेफ्टी में रखे, सबको अच्छा रखे। तो बस उसके बाद अभी मैं यही होप कर रहा हूँ कि बेटे का पासपोर्ट है, मेरा है, वाइफ का है, सबका पासपोर्ट है, इंशाल्लाह उम्रा खुलेगा तो हम लोग सबसे पहले वहीं जाएंगे, सबसे पहले इंशाल्लाह। और आप लोग दुआ कीजिए कि सबसे पहले ये पूरे वर्ल्ड में सुकून हो जाए, ये कोरोना ख़त्म हो जाए, इसको अल्लाह ख़त्म कर दे, ऊपर वाला बिल्कुल ख़त्म कर दे इस चीज़ को, छोटे बच्चे बड़े सब परेशान हैं, हमको भी मूव करना है, तो मैं डर रहा हूँ कि वाइफ को, आप लोग प्लीज़ सजेस्ट भी कीजिए मुझे कि मैं बाय रोड जा रहा हूँ लेकिन मेरा बच्चा छोटा है 5 महीने का है, तो अभी मुझे तो सेफ़ नहीं लग रहा है कि इतनी दूर उसको लेके ट्रैवल करना, वो फिर परेशान हो जाएगा, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि उसको बाय फ्लाइट भेजूँगा तो वाइफ का कोरोना टेस्ट होगा, वाइफ का अभी फीड कराती है तो अभी उसको आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो अभी उसको अपना कोरोना टेस्ट लेके एयरपोर्ट जाके फिर जाना, लेकिन एयरपोर्ट के लिए तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत लोग टहल रहे हैं, मास्क पता नहीं लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी बोला था कि कोरोना अक्टूबर में 3rd wave स्टार्ट होएगा, तो अभी थोड़ा सा वही डर है, मैं लंबा 1400 किलोमीटर बच्चे को ले नहीं जाना चाहता, कितनी दूर में वो परेशान हो जाएगा, इरीटेट हो जाएगा, तो आप लोग सजेस्ट भी कीजिए, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि साथ में ले जाऊँ, बहुत लंबी जर्नी है, मैं तो जा सकता हूँ 24 आवर्स में चला सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है,
मैं तो रुकना भी नहीं चाहता हूँ, लखनऊ से निकलूँगा तो डायरेक्ट पूना फ्लैट पे ही। तो अभी आप लोग सजेस्ट कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि बेबी को फ़्लाइट से कन्वीनियंट रहेगा या कार से तो नहीं रहेगा, आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, बच्चा इसमें परेशान हो जाएगा, मैं स्टे करना पड़ेगा, स्टे के लिए मुझे होटल जाना पड़ेगा, इस होटल में भी सेफ्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना है। और गाइज आपसे रियली वेरी सॉरी कि इतने दिन तक मैं आप लोग को मिल नहीं सका, मेरी फिंगर अभी भी दर्द कर रही है और अभी डॉक्टर ने कैप लगा दिया है तो अभी ठीक है, लेकिन दर्द तो है अभी। एटलीस्ट मैं नहा सकता हूँ फ्रीली, वरना बार बार वो बैंडेज हटाना पड़ता था, फिर बांधना पड़ता था, अभी ये थोड़ा सुकून है। तो मैं नहीं आ पा रहा था व्लॉग में और मेरी भी कुछ तबीयत नहीं सही थी, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन हो गया हूँ, तो अभी अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें अच्छे से हो गई। तो बस अब मैं निकलूँगा पूना के लिए भी जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पर भी हैं सेफ रहिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, क्योंकि मेरे डैडी हैं नहीं, अब्बा हैं नहीं मेरे, तो मैं फ़ील करता हूँ कि जिसके नहीं हैं अल्लाह उसको सब्र दे, ऊपर वाला सब्र दे, और जिनके हैं प्लीज़ आप उनको अकेला मत छोड़ें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, और अपनी माँ को भी, अपने घर वालों को भी, सबको भी। और आबान की तरफ से एक मैसेज है कि आबान ने बोला था हे गाइस आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उस पर ट्रक चढ़ा दीजिएगा, फ्लाइट चढ़ा दीजिएगा, आप उसको ग्रे कर दीजिएगा, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, वो अपनी नानी के यहाँ से एक दो दिन में आ जाएगा। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।